आप सबका एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको ग्लोव्स किस तरीके से चूज करें, और मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए नोवेल्टी स्पोर्ट कंपनी की तरफ से एक ग्लोव्स आए, इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं इसका रिव्यू दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोव्स में क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इस तरीके से पैकिंग में आता है, एक प्लास्टिक आता है जिसको हम खोल लेते हैं। और अंदर भी आपको एक कैरी करने के लिए बैग मिलता है। तो इस तरीके से आपको एक बैग मिलने वाला है कैरी करने के लिए, ग्लोव्स कैरी करने के लिए। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैग है, आप देख सकते हो इसमें चेन भी है इस तरीके से। तो चलिए हम इसको ग्लोव्स निकाल लेते हैं इसमें से। चलिए हम इसमें से ग्लोव्स निकाल लेते हैं अभी। तो इस तरीके से ग्लोव्स रहे हमारे। तो गाइस ये रहे हमारे ग्लोव्स, और आप देख सकते हो इसकी ब्रांडिंग भी दी गई है, जो कंपनी का नाम है ओए नोवेल्टी स्पोर्ट, आप देख सकते हो। और काफ़ी प्लेन है, काफ़ी अच्छी तरीके से, ज़्यादा डिज़ाइन भी दी गई नहीं है, काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेन है। और यहाँ पर और एक ब्रांडिंग मिल जाती है आपको देखने को, और वाइट कलर में आते हैं, और यहाँ पर ग्रीन कलर है आप देख सकते हो। तो गाइस हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वेंटिलेशन की। आप देख सकते हो सेंटर में पाम में वेंटिलेशन दिया गया है, और हर एक फिंगर में वेंटिलेशन दिया गया है, आप देख सकते हो हर एक फिंगर में वेंटिलेशन दिया गया है, और पाम में भी दिया गया है यहाँ पर, और जो थंब के पास होता है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है थंब के पास, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है थंब के पास, क्योंकि जो स्वेटिंग होती है वो हमेशा थंब के पास से ही होती है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो थंब के पास भी है, और वेंटिलेशन सेंटर में भी दिया गया है, और हर एक फिंगर में दिया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन किया गया है। तो चलिए हम इसको पहन के देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पहन के, स्मूथ फील आ रहा है। तो पहन के आपने देख लिया है, अभी इसके हम आप देख रहे होंगे इसका जो प्रोटेक्शन है वो स्प्लिट का है, आप देख सकते हो, देख सकते हो आप, स्प्लिट फिंगर है इसका प्रोटेक्शन इस तरीके से। दो प्रकार के प्रोटेक्शन होते हैं, एक स्प्लिट होता है जिस स्प्लिट फिंगर बोलते हैं हम इसको, और एक सोसिस टाइप होता है। सोसिस टाइप में क्या होता है, जो पूरी तरीके से स्प्लिट में क्या होता है आप देख सकते हो, इसे फोर टाइप में प्रोटेक्शन दिया गया है, ऐसे स्प्लिट होता है, अच्छी तरीके से बैंडिंग होती है। सोसिस में क्या होता है, ये जो कॉटन होता है वो पूरी तरीके से एक जैसा होता है, ऐसे स्प्लिट में अलग अलग पार्ट में नहीं होता है, एक ही पार्ट में इस तरीके से। उससे क्या होगा, उससे सोसिस टाइप में दिक्कत क्या होती है, अच्छी तरीके से बैंड नहीं होते, पर हम देख पा रहे हैं। तो स्प्लिट में क्या हो रहा है, इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से बैंड अच्छी तरीके से होते हैं, फोर टाइप में, एक दो तीन और चार, इस तरीके से अच्छी तरीके से आपको बैंड को देखने के लिए मिले। तो गाइस हम बात कर लेते हैं हम पाम के बारे में, जो आप वेंटिलेशन के बारे में तो बात हो चुकी है, पर पाम के काफ़ी स्मूथ लग रहा है मुझे पाम। क्या होता है ना, जब हम बैट को ग्रिप करेंगे तो अच्छी तरीके से ग्रिप होगी, फिसल जाता है कई कई ग्लोव्स में, तो आपको वैसा कुछ नहीं मिलेगा इसमें, काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथ दिया गया है, और अच्छी तरीके से ग्रिप बैठेगी। तो आप देख सकते हो लेदर का पार्ट है, तो अच्छी तरीके से ग्रिप बैठेगी, स्मूथ है काफ़ी। तो चलिए हम इसके दोनों ग्लोव्स पहन के देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसका जो टॉवेल है, जो रिस्क में आपको टॉवेल देखने को मिलेगा, अच्छी तरीके से दिया गया है टॉवेल, और जो आपको देखने को मिलेगा अंदर का पार्ट देख लेते हैं हम, जो अंदर का पार्ट है वहाँ पर भी टॉवेल यूज़ किया गया है, ऊपर का लेदर का है, पर जो नीचे वाला है वो टॉवेल का यूज़ किया गया है। काफ़ी स्मूथ फील आता है, काफ़ी आपको पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगी कोई। तो आप देख सकते हो इसमें इस तरीके का टॉवेल यूज़ किया गया है, काफ़ी स्मूथ है। तो गाइस हम राइट हैंड के ग्लोव्स के बारे में बात करते हैं अभी। तो क्या होता है दोस्तों, जब हमारा बॉलर के पास फेस होता है तो इस तरीके से हम राइट हैंड को बॉलर के पास फेस होता है, तो जो फिंगर होती है टू फिंगर अपने हैंड के जो टू फिंगर होता है वो फाइबर कॉटन का यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हो, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी इस तरीके से, और जो है वो कॉटन का है। क्यों दिया गया होता है दोस्तों, जब हम बॉलर के पास फेस होता है टू फिंगर का, काफ़ी बॉल लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए फाइबर कॉटन का दिया गया होता है, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो प्रोटेक्शन भी दिया गया है, फाइबर अच्छी तरीके से दिया गया है इसमें, जो टू फिंगर होते हैं इसमें इस तरीके के, तो इसमें फाइबर दिया जाता है पूरी तरीके से, नहीं सिर्फ इस पार्ट में दिया जाता है, सिर्फ इस पार्ट में फर्स्ट वाला।
और आपको ग्लोव्स लॉक करने के लिए इस तरीके से चिपकाने के लिए दिया गया है टॉवल के, जो इसमें उसके ऊपर ब्रांड भी दिया गया है नोवेल्टी स्पोर्ट। तो चलिए हम इसको दोनों ग्लोव्स पहन कर देखते हैं और बैट को पकड़ के देखते हैं तो कैसा फील आता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रिप मिल रही है हमको, तो इस तरीके से ग्रिप हमको मिलने वाली है। तो मैं बोल रहा था अभी राइट हैंड के लिए जो टू फिंगर होते हैं, जो फाइबर प्रोटीन, वो क्या होते हैं इसमें आप देख सकते हो, इस तरीके से हमारी दो उंगलियाँ ऊपर बॉलर के फेस के ऊपर है, तो इस तरीके से इसलिए फाइबर प्रोटीन दिया गया है वो पाई, तो आप देख सकते हो इस तरीके से, और मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथ लग रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपको कॉटन नहीं दिया गया है, प्लेन है। क्या होता है ना, जब हम बैट को पकड़ते तो ये पोर्शन होता है जो थंब होता है अपना, राइट हैंड का जो अपना होता है थंब, वो ऊपर की तरफ होता है जो राइट हैंड का होता है, पर लेफ्ट हैंड का क्या होता है इसे पीछे होता है, बॉल लगने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते, इसलिए जो कॉटन है वो दिया नहीं होता है। तो चलिए गाइस हम इसको प्राइस के बारे में बात करते हैं। अभी इसका प्राइस 1700 है, पर आपको ऑफर में मिलने वाला है 1250 में। तो आपको क्या करना है, इसका परचेस किस तरीके से करना है, अलग परचेस है इसका, व्हाट्सएप के थ्रू आप परचेस कर सकते हो और इंस्टाग्राम के थ्रू आप परचेस कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाना है, दो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और व्हाट्सएप आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको व्हाट्सएप करना है और इंस्टाग्राम पर जाना है और उनसे बात करनी है और ऑफर में डिस्कस भी करनी है कि प्राइस क्या है, क्या रेट है। तो आपको 1250 में तो मिलने वाला है, पर आप जो बात करेंगे वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया है, तो आप जाके परचेस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे क्रिकेट टेक्निक के और अनबॉक्सिंग के वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।